नमस्ते फ्रेंड्स, मैं उज्ज्वला महाजन आप सभी का स्वागत करती हूँ क्लासी रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन मलाई लड्डू। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम कढ़ाई में डालते हैं घी। घी हमने लिया है 1/4 कप, जिसमें से हम अभी आधा ही डालेंगे, पूरा एक साथ नहीं डालेंगे। अब हम डालेंगे इसमें 1 कप बेसन। और इसको चलाएंगे। फ्रेंड्स, साथ में ही हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून सूजी बारीक वाली। और इसको भी मिला लेंगे। फ्रेंड्स, इसको ऐसे ही भूनते रहेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। और इसमें जो गुठली दिख रही है, इनको हम तोड़ते रहेंगे। याद रहे फ्रेंड्स, लो टू मीडियम आंच पे सेकना है। फ्रेंड्स, सूजी और बेसन जो हमने डाला है वो अभी थोड़ा सूखा लगा है। अब हम इसमें जो घी बचाया हुआ था वो और डाल देते हैं। अब हमने सारा घी डाल दिया है, एकदम से नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे दो बार में। और अब हम इसको फिर भूंजेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। और ये जो गुठली इसमें बन रही है, इसको तोड़ते जाएंगे साथ के साथ। फ्रेंड्स, इसी तरह से 10 से 15 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनते रहेंगे, जब तक कि घी और बेसन सेपरेट ना हो जाए और खुशबू आने लगे हल्की हल्की सी। तब तक बेसन का कलर भी बदल जाएगा जब वो सिक जाएगा। फ्रेंड्स, इस स्पैचुला में जो भी बेसन लग रहा है, इसको ऐसे करके निकालते जाएं, वरना वो कच्चा रह जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, बेसन और घी सेपरेट हो गया है और कलर भी चेंज हो गया है और खुशबू भी आने लगी है। अब ये भुन चुका है। अब इस पे हम मलाई डाल देंगे। मलाई यहाँ पे मैंने ली है 4 से 5 बड़े चम्मच। आप अपनी आवश्यकता अनुसार ले लें। और अब इसको मलाई के साथ भूनते हैं। फ्रेंड्स, मलाई डालने से बेसन में मावा जैसा स्वाद आ जाता है और साथ में दाने भी पड़ जाते हैं। अब फ्रेंड्स, जब हमने मलाई डाली है तो ये भी घी छोड़ेगी। जब तक घी और बेसन सेपरेट नहीं हो जाता, तब तक हम फिर से भूंजेंगे। याद रहे, लो टू फ्लेम पे ही भूंजना है इसको भी। देखिए फ्रेंड्स, मलाई डालने के बाद अब हमने 5 से 10 मिनट और भूंज लिया है लो टू फ्लेम मीडियम पे। अब हम इसमें कुछ मेवा डाल देते हैं। आप अपनी इच्छानुसार डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा बादाम की कतरन, गरी की कतरन और किशमिश ली हुई है। देखिए फ्रेंड, अब बेसन भून चुका है। मेवा डाल के भी हमने 1 से 2 मिनट भूंज लिया है। अब हम इसको ठंडा करने के लिए दूसरे बर्तन में निकाल देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखिए हमने इसमें ठंडा करने के लिए निकाल लिया है। अब इसको 15-20 मिनट छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, ठंडा हो चुका है। 15 से 20 मिनट मैंने पंखे के नीचे रख दिया तो ठंडा हो गया है। इतना हो गया है कि हम बहुत अच्छे से छू पा रहे हैं। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम शक्कर डाल देंगे, 1 कप से थोड़ा सा कम। सॉरी, शक्कर नहीं, बूरा। अब यहाँ पे 1 टीस्पून इलायची पाउडर। और यदि आप इसमें कलर डालना चाहते हैं तो इसी स्टेज पे कलर डाल दीजिए, मैंने नहीं डाला है। फ्रेंड्स, इसको अच्छे से ऐसे मलमल के मिला लीजिए ताकि सब एक सार हो जाए।
देखिए मिल गया है सब, लड्डू जैसा बनने लगा है, मुट्ठी बनने लगी है। अब हम इसका एक एक करके लड्डू बना लेंगे। फ्रेंड्स इसको ऐसे इकट्ठा करके दबा लीजिए ताकि ये अंदर से बिल्कुल ठंडा ना हो। यदि ठंडा हो जाएगा तो एकदम से फिर वो लड्डू नहीं बनेंगे, भुरभुरा हो जाएगा। और यदि हो जाता है ठंडा तो थोड़ा सा गर्म कर ले, फिर से लड्डू बनने लगेंगे। देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे लड्डू बन रहे हैं। ऐसे ही करके सारे लड्डू बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स लड्डू बन गए हैं, बस एक दो और बनेंगे। देखिए फ्रेंड्स लड्डू बन चुके हैं। अब हम इसको डेकोरेशन के लिए थोड़ा सा पिस्ता डाल सकते हैं ऊपर से, पिस्ते की कतरन। और थोड़े से फ्लेक्स, मिठाई है फ्रेंड्स तो ये तो लगाना बनता है। देखिए फ्रेंड्स लड्डू पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं। अब बस भगवान का प्रसाद लगाना है। ये देखिए इसी तरह से आप भी बनाइए। मेजरमेंट का ध्यान रखें, जैसा बताया है वैसा ही लें। फ्रेंड्स अब अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।